जी, इसमें आज हमारा अर्जुन हमारे घर पे आया है। उसको 22 मंथ हुआ है, ये अभी सर्विस करके आया है, लेकिन इधर रिंग में घूम रहा है तो कभी कभी गुलाट भी मार लेता है, तो इधर ये बालू में आ रहा स्नान भी कर लेता है। तो अभी ये सर्विस करके देवा भाई लेके आया है इसको, लेकिन ये इसमें खुला किया ना तो ये ऐसा कर रहा है। ये आज हमारे घर आया, उसको पक्का 22 मंथ हुआ है। दो हज़ार 21 में मेरे हिसाब से आया होगा हमारे घर, चौथा मंथ में, अंग्रेजी में चौथा मंथ बोलते हैं, तब आया था ये। तब 10 मंथ के आसपास का था, 10 साढ़े 10 मंथ का। ये राउंड लगा रहा है, तो ये अबोर लाइन का है और नुकरा है प्योर, इसमें कोई बाल भमरी की कोई खोट भी नहीं है। अभी तो छोटा बच्चा है, होगा मेरे हिसाब से 30-31 मंथ का, या ना इतना 32 मंथ के आसपास होगा, क्योंकि हमारे घर आया उसका पक्का 22 में मंथ हुआ है। और बढ़िया शांत है, ये कभी लात नहीं मारता, कभी काटता नहीं है, और इसमें 2-3 दाग है ब्लैक इसमें, पर लेकिन इसमें कोई दूसरी कमी नहीं, कोई बाल भमरी का। और उसका पिताजी प्योर नुकरा था, उसका नाम भी अर्जुन था, हमारे इधर इसको बांडा भी बोलता है ना। और उसकी माँ भी बहुत बढ़िया है, ये पोपट भाई के पास अभी खड़ी है, वो भी बहुत बढ़िया। तो भी कभी मैं कभी कभी बताता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो वो भी आपको, वहाँ मैं उधर जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। उसकी माँ का नाम भी कोई बढ़िया है, मेरे को तो वो भी पता नहीं है, बता दे पर मैं भूल जाता हूँ। बढ़िया शांत घोड़ा है, शांत घोड़ा के लिए रखा है। अभी तो ये छोटा है, गई साल इसको खोलेंगे तो ये खूबसूरत लगता है। आप ज़्यादा नहीं रखेगा तो एक घोड़ी या एक दो गाय को किसान को तो रखना ही चाहिए, किसान होगा कोई भी होगा, ये आपको ज़िंदा रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रखेगा। देखो इसका पुट्ठा उठा बहुत बढ़िया, ये डरपोक बहुत है, डरते बहुत है, कहने का देखो ये डरते बहुत है। ये नुकरा थोड़ा आक्रामक भी होता है, हमारा अर्जुन तो डरपोक ज़्यादा। तो ऐसा है हमारा अर्जुन, और ये कृष्ण कुमार महाराज की देन है, तो अर्जुन और हम आप सब घूम सकते हैं इधर उधर, क्योंकि ये एक महान पुरुष था कृष्ण कुमार महाराज, गोहिल भावनगर का, हमारे गुजरात का राजा था। उसने वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को पहली बार दान दिया था 1800 गांव और उसका खजाना, और दूसरा वो तो ठीक है उसका था, लेकिन जो उसके ससुराल से आया था ना, उसकी बीवी का जो भी था ना दाइजा और ज़मीन गांव मकान, वो भी दे दिया था, तो ना वो भी दे दिया था साथ में दान में, तब आप सब आज़ाद हुआ है। और उसका नाम लेने से बहुत लोग को दर्द होता है, मैं तो भगवान से भी बड़ा मानता हूँ उसको, क्योंकि कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध लड़ाई करवाई थी और वहाँ किसी को दान नहीं दिया था इतना बड़ा, और राम भगवान ने भी लंका में एक लड़ाई की थी, उसने भी यही काम किया था, लेकिन किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया, इतना बड़ा राज नहीं दिया था। ये 1800 गांव देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी अंग्रेजों की गुलामी थी और जोखिम भी बड़ा था, जो उसको भी जान का भी खतरा रहता था अंग्रेजों तरफ से, तो भी दान में दे दिया था। उसको महान पुरुष बोलते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते और सबको मालिक बना दिया। तो अभी हमारा तूफान भी आएगा, तूफान की आज जन्म तारीख है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ थोड़ा वीडियो रुकता।
ये देखो अभी मिट्टी में लेटेगा, देखो ये अभी सर्विस करके आया है तो वही काम कर रहा है, तीसरी बार लेट रहा है। और एक अपनी गुजराती चैनल भी इसमें हमने बनाई है, अर्जुन फैशन ऐसा नाम है, तो उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये अर्जुन फैशन इसलिए रखा है कि हमारे एक ऐसा काम करना है, जब काम होगा तब आपको बताएंगे, पहले तो क्यों बताएं कि अभी तो नहीं बताएंगे। अर्जुन फैशन इसलिए रखा है, कोई कोई लोग बोलेगा अर्जुन फार्म रखना, अर्जुन हॉर्स फार्म रखना, ऐसा रखना, तो लेकिन वो अर्जुन फैशन ही रखना, इसलिए कि हमारे अर्जुन के नाम से बढ़िया फ़ायदा भी होता है, सुकून भी मिलता है। और बहुत हमारे पास अर्जुन नंदी है, और एक अर्जुन नंदी हमने सेल कर दिया है, वो भी बहुत रेट में सेल किया था, हमारे एरिया में किसी ने इतना रेट में सेल नहीं किया ऐसा, तो मैं आपको बाद में तूफान बताता हूँ। अभी पंच कल्याण है और पिताजी हमारा कन्हैया है, वो पोपट भाई का, वो कन्हैया भी पंच कल्याण है, और कन्हैया का पिताजी रुस्वंत ऐसा नाम है, रुस्तम ऐसा नाम है, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, ऐसा नहीं, वो भी पंच कल्याण है, और कन्हैया की माँ भी पंच कल्याण थी, तो हमारे तूफान की माँ भी पंच कल्याण है आलीशान, और इसका पिता कन्हैया भी पंच कल्याण है, और कन्हैया का माँ बाप दोनों ही पंच कल्याण है, तो इसलिए इसकी पेडिग्री बहुत बढ़िया है, बहुत हैवी है, सब पंच कल्याण है, तो इसका बच्चा भी हमारे हिसाब से सब ज़्यादातर पंच कल्याण ही आएगा, और वो तो बड़ा होगा और बच्चा देगा तब पता चलेगा, अभी तो नहीं चलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया खूबसूरत है, और ऐसा वैसा मैं तो कभी किसी के पास नहीं देखा है, हो सकता है इससे भी कोई के पास बड़ा भी होता है, लेकिन मैं तो नहीं देखा है। दो तीन मेड़ा में भी गया, बहुत मेड़ा में भी गया हुआ है, और बहुत फार्म भी देखा है, और ऐसा नहीं देखा है ये ऐसा पुट्ठा बुट्ठा, और इसका कान, गर्दन, इसका पैर, नाखून सब बहुत बढ़िया है। नाम भी इसलिए हमने तूफान रखा है, वो काम भी तूफान जैसा ही करता है, लेकिन शांत भी बहुत बढ़िया है, डाया घोड़ा भी बहुत है। ये देखो मेरे पास भी आ रहा है, घूम रहा है इधर, ये शांत भी बहुत है। आपको इसमें तो मोबाइल में तो कैसा दिखाएगा, लेकिन ये कुमैद है, ये ब्लैक नहीं है और लाल भी नहीं, ये कुमैद है, इसका पिताजी भी कुमैद है। कभी कभी कलर इसका चेंज होता है छोटा मोटा ऋतु के आसपास, लेकिन है कुमैद। और ये डरपोक भी नहीं है, और शांत भी बढ़िया है, और खाना भी हमारी हैसियत जैसा हम देते हैं, हैसियत से बाहर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, तो ऐसा है हमारा तूफान। और आप थोड़ा आशीर्वाद देना, और आज हमने चैनल बनाई है अर्जुन फैशन गुजराती, तो वो भी थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और देखना जो जो गुजराती होगा उसको बढ़िया मज़ा आएगी उसमें, क्योंकि ये हमारी चैनल पुरानी है, गिर गायू 5389, तो उसमें कोई कोई गुजराती को प्रॉब्लम आता है, गरम भाई आप हिंदी बोलते हैं तो गुजरातियों को मज़ा नहीं आता, और जो गुजराती बोलते हैं तो हिंदी वाला को मज़ा नहीं आता, तो इसलिए आज एक हमारे तूफान की जन्म तारीख है, और अर्जुन हमारे घर आया उसको 22 मंथ हुआ है, तो इसलिए एक अलग चैनल बनाया, हमारे 27 तारीख की शुभ घड़ी होती है, तो इसलिए बनाया है, क्योंकि हमारे पास अर्जुन भी है, नंदी भी है, और एक नंदी सेल भी किया हुआ है बहुत बढ़िया पैसा में, और अभी भी हमारे पास एक अर्जुन नंदी है, तो उसका नाम भी अर्जुन है, और अर्जुन नुकरा घोड़ा भी है, और एक और धंधा भी करना है फैशन जैसा, तो इसीलिए उसका नाम भी अर्जुन फैशन रखा है यूट्यूब चैनल में, तो आज उसको वीडियो, पहला वीडियो ही डालेंगे हम, तो
तो वो भी कोई गुजराती इसमें जोता होगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उसमें गुजराती बोलेंगे और ये चैनल में हिंदी बोलेंगे। तो ऐसा है हमारा तूफान। संत महात्मा कोई होगा तो आशीर्वाद देना, और बड़ा होगा तो हमारा नाम भी करेगा, ऐसा हम सोच रहा है। बाकी तो भगवान की मर्जी है ना, भगवान की इच्छा। देखो उसका कान बान बहुत बढ़िया है, कभी कभी ऐसे रखता है ना, कैसे रखता है देखो, आपको लगेगा तो सांड घोड़ा जैसा है, नहीं सांड घोड़ा, ये 9 मंथ का ही है। हम तो खाना खिला सकते हैं, उससे बड़ा तो नहीं बना सकते, वो तो भगवान बना सकता है और भगवान दे सकता है ऐसा रूप, तो वो तो भगवान का हाथ में है, कैसा देना कैसा नहीं देना। जय माता दी।